हेलो फ्रेंड्स मैं नीरज आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स आज हम मैथ पैडागोजी के प्रश्नों को लेकर के आए हैं जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है हमने मैथ के क्रैश कोर्स के लिए शुरू किया है ठीक है तो उसी के रम में साथ ही आज हम पैडागोजी वाले क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं फ्रेंड्स आप क्या है आप जो है तैयारी पे लग जाएं क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है डेट भी क्लियर आपकी पाँच जुलाई जो है हो चुकी है ठीक है तो आप जो है तैयारी में लग जाएं और मैं आपका अब एक मिनट भी ख़राब नहीं करूंगा चलते हैं सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल बटन को भी दबा देंगे और ये मैटर प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें साथियों ये सब मैटर आपको पी फॉर्मेट में मिल जाएगा साथियों क्या है देखते हैं बस एक सेकंड बस आपके लिए यानी क्या है मैं बहता हुआ पानी हूँ लोग मेरा रास्ता बदल सकते हैं मंजिल नहीं लोग क्या साथियों कोई विपत्ति भी आ जाए लेकिन वो हमारा टारगेट नहीं चेंज कर सकती है ना जैसे कि पता है आपको कोरोना ने हमारे लिए बहुत परेशान किया लेकिन हमने रास्ता बदल दिया हमने तैयारी के लिए ऑफलाइन नहीं हुआ तो ऑनलाइन शुरू कर दिया है ना यहाँ से नहीं तो वहाँ से वहाँ से नहीं तो यहीं से लेकिन हम हर हाल में सी के लिए क्वालिफाई कर करके ही रहेंगे साथियों चलते हैं और देखते हैं अपना सबसे पहला प्रश्न जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है अशिक्षित दुकानदार है के द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित का क्या करना चाहिए हमारे लिए क्या कक्षा में उपयोग नहीं करना चाहिए या फिर सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है या फिर अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है जो दुकानदार अशिक्षित होता है उसके गणित में या फिर कि जो संबंधित समस्याएं हैं को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए यानी क्या है साथियों एक अशिक्षित दुकानदार है अब वो क्या है अपने गलतिए को कैसे हल करता है यानी अपने शॉर्ट तरीके से सॉल्व करता है तो उसके जो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए उसके हमें यूज करना चाहिए या नहीं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे लेकिन साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आप क्लियर करेंगे कि आवाज़ वगैरह आपके लिए सही आ रही है ठीक है और जल्दी से आंसर के लिए कमेंट कर देंगे जो भाई बहन तैयारी में अच्छी तरह से लगे हुए हैं और जिनकी तैयारी बेटर है वो इसके लिए टेस्ट की तरह लेंगे और जो मेरे प्यारे भाई बहन जो विभिन्न राज्यों से हैं तैयारी अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं कोई दिक्कत हो गई है कोरोना की वजह से तो वो जो है ध्यान से सुनेंगे ठीक है क्या है साथियों जो अशिक्षित दुकानदार है उसकी जो गणित है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए और क्या साथियों वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा इसकी चर्चा भी की जानी चाहिए ठीक है डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्या साथियों ए ऑप्शन देख लेते हैं नहीं होगा क्योंकि गणित में कक्षा में उपयोगी नहीं है बात गलत है कहीं ना कहीं उसका यूज भी हमें खुद भी करना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए ठीक है देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को क्या है हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा का कौन सा कार्य यह एक गतिविधि है मतलब कौन सी गतिविधि है जो कक्षा में जो है हो रही है ठीक है वो आपको बतानी है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें ठीक है बी है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन और सी है आपका बच्चों द्वारा स्वामपट से नकल करना और डी है आपका बच्चों का अन्वेषण में लगना यानी आपके लिए बताना क्या है कि कौन सी गतिविधि है है ना कौन सी जो है गतिविधि है एक कार्य को करने के लिए है ना तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा देखते हैं बताइए ऑप्शन कमेंट करेंगे एक बार आंसर के लिए ठीक है देखते हैं ए ऑप्शन शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न को कैसे हल करें जरूरी नहीं है क्योंकि हमारा टारगेट केवल प्रश्न हल करना नहीं है हमारा टारगेट है बच्चे को अच्छी तरह समझाना और गणित को इस तरीके से बनाना कि बच्चा जो है उससे डरे नहीं है ना उसके जो है जीवन से जोड़कर हमें बताना चाहिए बच्चा जो है खोज के द्वारा सीखता है ना तो क्या है आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा क्या है कि गिनतियों का वाचन भी सही नहीं है ये गतिविधि नहीं है और बच्चों द्वारा साम्पट से नकल ना बिल्कुल गलत और डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा बच्चे खोज के द्वारा लगते हैं और सीखते हैं तो उन्हें अन्वेषण जो है में लगाना बच्चों के लिए चाहिए ठीक है देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को साथियों मेरा टारगेट यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपके तीस प्रश्न यहाँ तीस मिनट में या पाँच मिनट में करा दूँ मेरा टारगेट यही है कि हर भाई बहन को जो है अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएं क्योंकि क्या है साथियों मुझे पता है कि आपकी सभी ऑफलाइन कोचिंग बंद है ना तो क्या है आपकी तैयारी अच्छी से नहीं हो पाई होगी साथियों हो, मैं आपको बता दूं आप तैयारी में लगे रहें चाहें यहाँ से चाहें कहीं से ठीक है देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है उसने लंबाई चौड़ाई में उत्तर दिया है है ना क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में क्या आप कह सकते हैं है ना ठीक है ए ऑप्शन आपके सामने है बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यदि उसे जानकारी नहीं होती तो बच्चा ये जवाब भी नहीं देता है ना तो यहाँ पर एक कैंसिल हो गया आपका बी देखते हैं बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है ठीक है अगले ऑप्शन भी हम देख लेते हैं और आप जो है आंसर के लिए कमेंट भी करेंगे सी ऑप्शन है आपका बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और डी है आपका साथ ही यहाँ गुणा लगा लेंगे आप ठीक है डी है आपका बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच में उलझन में है ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर कमेंट करेंगे एक बार बहुत सही साथियों आपका किसी का आंसर जो है सही से जो है मैच नहीं कर रहा है ना किसी का ए किसी का बी जो है आप कन्फ्यूजन में है ठीक है तो देख लेते हैं हम सही आंसर के लिए ठीक है बच्चा जो है क्षेत्रफल और परमाप की आधारणा में उलझन में है बिल्कुल गलत क्योंकि बच्चे ने कुछ ना कुछ जवाब तो दिया है ठीक है बच्चा सही कह रहा है ये साथियों अब ए बचा आपका यानी बी बचा आपका और सी बचा ठीक है तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आंसर किया बी हो जाएगा या फिर सी तो साथियों ये बात उसकी सही है लेकिन फ्रेंड्स यहाँ है क्या जो उसका टारगेट है वो नहीं हो रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन से पूरा तो सी आपका नहीं होगा सीधा सीधा बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है क्यों क्योंकि साथियों आयत का चित्रफल आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ठीक है तो बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो गया चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर क्या है हमारा अगला प्रश्न पाइथागोरस प्रेमे को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले चार त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है अब देखते हैं साथियों ऑप्शन इसके क्या हैं उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की है यानी कौन सी विधि जो है उसने प्रयोग की है क्या आगमन की है निगमन या फिर व्याख्यान या फिर प्रयोगशाला विधि तो एक बार कमेंट करेंगे साथियों राइट आंसर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर आपका देखिए आगमन विधि में क्या होता है पहले उदाहरण दिया जाता है और निगमन में क्या होता है पहले नियम बताए जाते हैं व्याख्यान में व्याख्या की जाती है प्रयोगशाल आपका लेबोरेटरी से संबंधित है ठीक है तो यहाँ आपका क्या है उसने जो है सीट वितरित की है यानी कहाँ क्या है कि उसने एग्जाम्पल दिया है ठीक है तो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर आगमन विधि ठीक है आगमन विधि का शिक्षक ने प्रयोग किया है ठीक है जिससे बच्चे के लिए उसने क्या करा है सीट वितरित की है जिससे एक एग्ज़ाम्पल एक सेट किया उसने है ना अब देख लेते हैं फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न को मैं साथियों क्या है आपका एक मिनट भी खराब नहीं करना चाहता है ना क्योंकि आपका बहुत ही बहुमूल्य समय है है ना देखते हैं अपने अगले प्रश्न को कक्षा चार के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं है ठीक है क्या हो जाएगा ये सत्य सदैव नहीं है ये आप कैसे सिद्ध करोगे तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस के लिए क्या हैं इसके ऑप्शन ए ऑप्शन है आपके सामने एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे बी है आपका इस संख्या के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और सी है आपका दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि का जो है प्रदर्शित करेंगे और ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करेंगे साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक बार प्रश्न आप और देख लें अब सीधे हम ऑप्शन पर ही रुकते हैं ठीक है तो साथियों ए ऑप्शन होगा आपका क्या बताएंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कलन विधि का जो है हम कभी भी जो है प्राइमरी लेवल पर यूज नहीं करते जहां जहां आपके लिए नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे उन्हें आप कैंसिल करते चलेंगे और राइट आंसर आपके लिए मिल जाएगा पेडोगोलॉजी में साथियों इसी तरीके से प्रश्नों के लिए लगाया जाता है चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की पैडोगोलॉजी को सॉल्व क्यों ना कर रहे हो ठीक है साथियों तो यहाँ पर भी आपको कलन दिख रहा है इसका यूज भी हम नहीं करेंगे और क्या है साथियों बी ऑप्शन में इसी संख्या के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे बिल्कुल ही गलत है है ना योग से कुछ भी होने वाला नहीं है लेकिन साथियों डी ऑप्शन आपका राइट है ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करेंगे ग्रिड पेपर साथियों क्या होता है ये इस तरीके का होता है देखो मैं बना देता हूँ आपके सामने जैसे ये है आपका ग्रिड पेपर इसमें लाइनें खिंची रहती हैं पहले यानी दूर दूर और उसके बाद छोटे छोटे बीच में भी खाने बने रहते हैं जिससे जो है संख्या पर संख्या के लिए प्रदर्शित किया जाता है दशमलव वाली संख्याओं को ठीक है तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा ठीक है डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर क्या है हमारा अगला प्रश्न प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है ठीक है यानी क्या करना चाहिए हमारे लिए प्राइमरी लेवल पर शिक्षार्थियों को माप पढ़ाने के लिए है ना ए ऑप्शन है आपका क्या है ए ऑप्शन अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए और बी है आपका प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक माप के बाद करने चाहिए और सी है आपका केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए और डी है आपका अप्रमाणिक आप मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स अप्रामाणिक मापिक क्या हैं यानी कि बगैर किसी यंत्र के द्वारा हम किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई या फिर कोई भी चीज़ का मापन करते हैं तो वो कहलाता है आपका अप्रमाणिक आप माप ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राइट आंसर यहाँ आपका सीधा सीधा आंसर कमेंट करेंगे आप और मैं आपको बता दूँ क्या ए हो जाएगा बिल्कुल नहीं हमारे लिए पहले अप्रामाणिक मापों का यूज करना चाहिए और उसके बाद हमें वो है प्रमाणिक मापों का यूज करना चाहिए बी ऑप्शन जो है राइट right हो जाएगा अप्रमाणिक माप के आस आती है उससे बच्चा समझ भी जाएगा जैसे कि आपको लिए कोई लंबाई नफवानी है तो आप बच्चे से कहें बेटा यहाँ से वहाँ तक जाओ आप यहाँ से यहाँ तक जाओ आप और देखो कितनी डगे हैं तो बच्चा जो है आराम से नाप सकता है लेकिन ये प्रमाण कैसा ये माप कैसी मानी जाएगी फ्रेंड्स ये मानी जाएगी आपकी अप्रमाणिक आप माप ठीक है तो इसका प्रयोग हम पहले करेंगे और उसके बाद में हम करते हैं प्रमाणिक मापों का प्रयोग ठीक है साथियों जैसा कि आपको पता है मेरा टारगेट यही है कि मैं हर भाई बहन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊँ जिससे उसके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और वो एग्ज़ाम में हर हाल में आपका जो प्रश्न सही कर सके ये प्रश्न भी आपका जो फरवरी में पूछा गया है ठीक है पिछले साल या फिर जो उससे पिछले साल पूछा गया होगा ठीक है आधा थोड़ा इसमें से कट गया ठीक है आप एडजस्ट कर लेंगे क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ऑप्शन ए है आपका संख्या नौ के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए और बी है आपका स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए सी है आपका पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए और डी है बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित करने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए बताइए साथियों क्या हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर कमेंट करेंगे एक बार राइट आंसर के लिए फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि मैं हर भाई बहन का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं और मैं आपका एक मिनट भी ख़राब करना नहीं चाहता ठीक है तो यहां आपका क्या हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन सीधे सीधे आंसर हो जाएगा यानी कि पहले बच्चे के लिए जो है नॉर्मल संख्याएं बतानी चाहिए जैसे वन टू थ्री जिनका जो है वो प्रयोग संख्याओं के गिनने में करेगा और उसके बाद हमें उसकी जो है शून्य की कॉन्सेप्ट को बताना चाहिए ठीक है तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर एट क्या कहता है कक्षा तीन के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना यानी कि जो आधा होता है उसकी संकल्पना समझानी है का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है ठीक है पहला कथन क्या है चित्र दिखाता है उसमें आधा प्रदर्शित करता है और बी है आपका यानी सेकंड है आधे का चिन्ह लिखता है और तीसरा है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है और चौथा है आपका कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है ठीक है यानी क्या है साथियों अगर हमें आधे की संकल्पना बच्चे को पढ़ानी है तो क्या होना चाहिए हमारा क्रम है ना किस तरीके से क्रम होना चाहिए अब देख लेते हैं ऑप्शन के लिए और आप एक बार ऑप्शन के लिए कमेंट करेंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्या पहले जो है तीसरा वाला हमें यूज करना चाहिए या पहला चौथा इस तरीके से आपके जो विकल्प दे रखे हैं आप कमेंट करेंगे एक बार आंसर के लिए और कमेंट आपने कर दिया होगा अब मैं सीधे चलता हूं थोड़े से एक्सप्लेनेशन के लिए ठीक है तो क्या है साथियों सबसे पहले हमें मूर्त के बारे में बच्चों को बताना चाहिए जिससे बच्चा जो है साक्षात चीज़ों को देखे और अपने जो माइंड में सेट कर ले है ना तो पहले आप जो सबसे पहले तीसरे का यूज करेंगे और उसके बाद क्या करना चाहिए तो उसके बाद हमें चित्र दिखाना चाहिए यानी कि आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए चित्र दिखाना चाहिए एग्जाम्पल देना चाहिए ठीक है और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए साथियों तो कहानी या शब्दों में जो है आधा प्रदर्शित करना चाहिए जिससे बच्चे को जो बार बार वो सुनेगा तो आधे की जो बात है वो समझ में आ जाएगी और सबसे बाद में उसके लिए क्या करना चाहिए तो सीधे हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा ठीक है पहले थर्ड फिर फर्स्ट फिर फोर्थ और फिर उसके बाद में जो है कौन सा तो सेकंड आप सबसे बाद में यूज करेंगे ठीक है चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर क्या है हमारा अगला प्रश्न साथियों थोड़ा सा टेक्निकल इशू है एक मिनट के लिए देख लेते हैं अभी ठीक है देखते हैं साथी क्या है एक संख्या का दशमलव निरूपण समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान जो है होना चाहिए ठीक है ये हमारे लिए बताना है क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन योग हो जाएगा व्यकलन मतलब घटाना हो जाएगा या फिर स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए या फिर आपका गुणा का ज्ञान होना चाहिए पॉइंट वाले नंबर के लिए यानी कि दशमलव आपके लिए समझाना है बच्चे के लिए तो क्या इसका ज्ञान सबसे पहले जो है ज़रूरी है बच्चे को देने के लिए ठीक है तो साथियों योग का ज्ञान तो उसे हमने करा ही दिया होगा व्यकलन घटाना गुणा है ना स्थानीय मान की अगर उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चा दशमलव जो है दशमलव की जानकारी में अच्छी तरह से पारंगत नहीं हो पाएगा और सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा स्थानीय मान किस तरीके से साथियों जैसे मैं बताता हूँ आपके लिए जैसे चार एक नंबर है चार सौ पचास है ना अब आप में आपको क्या है इसमें दशमलव लगाना है ना तो दशमलव आप जैसे मान लो यहाँ लगा दें और इसमें गुणा कर दें आप किससे हंड्रेड से है ना तो एक ही बात है अब जो हंड्रेड में दो जीरो जो लगाए गए हैं वो स्थानीय मान से क्लियर होंगे क्योंकि जो है पॉइंट हमने कितने अं, कितने अंक के बाद लगाया दो अंक के बाद तो दो जीरो हमें बढ़ा देने चाहिए गुणा में है ना या फिर आप इसी तरीके से डिवाइड में भी समझा सकते हैं जैसे कि चार यानी कि ऐसे इस तरीके से मैं लिख देता हूँ कुछ भी और नीचे मैंने सौ लिख दिया अब आप पॉइंट लगाएंगे तो किस तरीके से दो स्थान के बाद ठीक है तो स्थानीय मान के बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए ठीक है तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं हैं कौन सी वो संक्रियाएं हैं जो अंक की चार हैं है ना बताना है आपके लिए योग भाग परिमाण तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना और बी है आपका परिकलन संगणन रचना करना समीकरण बनाना ठीक है और सी है आपका योग गुणा भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना और डी है आपका योग व्यकलन मतलब घटाना गुणा और भाग ठीक है तो चार जो चार मूलभूत संक्रियाएँ हैं वो आपको पता ही होगा सरल प्रश्न है डी ऑप्शन है लेकिन क्या है पेपर में आया हुआ है इसलिए मैं जो है इसके लिए लेकर के आया ठीक है तो हर मैं अपने भाई बहन का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ ठीक है क्योंकि उसे डर भी ना लगे मैथ पैडोलॉजी के लिए ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि ये बहुत टफ होती है है ना टफ नहीं है साथियों बस थोड़ा सा अगर आप समझ के चलेंगे है ना क्या है अपना देख लेते हैं कक्षा पाँच में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है किसमें यह जो है प्रोत्साहित बच्चे के लिए करता है विश्लेषण संप्रेषण में बेसंख्या लिखने में जिन्हें शून्य हो है ना जिनमें शून्य हो सी है आपका बेसंख्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य है और डी है आपका मित्रों को सहयोग देने में ठीक है तो आप समझ जाएंगे बाद विवादित साथी क्या होता है बच्चों में जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप हो जाती है संप्रेषण जो है बढ़ जाता है और यहाँ शून्य की बात चल रही है कि शून्य सबसे प्रभावशाली संख्या है तो विश्लेषण भी बच्चे इसमें करेंगे सीधा सीधा आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा जो कि आपने कमेंट भी कर दिया होगा ठीक है फ्रेंड्स एक बार आप कमेंट ये भी करेंगे कि हम जो है आपका मैथ का किस तरीके से कोर्स कंप्लीट कराएं क्या क्वेश्चन फॉर्मेट में या फिर मैं थोड़ी भी आपके लिए लेकर आऊँ आप कमेंट कर देंगे एक बार ठीक है यदि एक शिक्षक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन के में समस्या हो रही है क्या है एक शिक्षार्थी है जिसके लिए संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें क्या असमर्थता हो सकती है जिसका नाम क्या है वो आपके लिए बताना है क्या लेखन अक्षमता है यानी जिसके लिए हम बोलते हैं डिस्प्रेसिया ठीक है या गणितय अक्षमता है जिसके लिए हम बोलते हैं डिस्कैलकुलिया या फिर सी है आपका दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता है या फिर है पठन अक्षमता जिसे हम डिसैक्सिया बोलते हैं तो साथियों मैं आपको बता दूं बस एक मिनट में एक सेकंड में क्या हो जाएगा आपका आंसर डिसकैलकुलिया ठीक है यानी गणित में अगर किसी बच्चे को संख्याओं में अक्षमता होती है तो उसके लिए क्या होती है डिस्कैलकुल की अक्षमता यानी होती है ठीक है तो यहां आपके लिए बहुत ही ईजी प्रश्न था मैंने बता दिया आंसर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर क्या है हमारा अगला प्रश्न यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत आधार संक्रियाएं संपन्न करने में असमर्थ है तो वह बच्चा यानी वो वह बच्चा जो है कौन सी अवस्था में है यह आपको बताना है ठीक है ए ऑप्शन आपका विभाजनात्मक अवस्था में है या फिर उपादान अवस्था में है या फिर संक्रियात्मक अवस्था में है या फिर डी आपका परिमाणात्मक अवस्था में है तो बताएंगे एक बार कमेंट करेंगे सीधे सीधे आपके लिए मिल गया होगा यहाँ पर आंसर कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर देखो संक्रिय आपके लिए दिख रहा है प्रश्न में ठीक है और संक्रियात्मक अवस्था पर ही बच्चा है क्योंकि वो जो है भिन्नों को पूर्णांकों को और दशमलव संख्याओं की संक्रियाओं में संपन्न जो है उसमें असमर्थ है तो आपका सीधा संक्रियात्मक अवस्था सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को क्या है हमारा अध्यापक ने कक्षा चार के छात्रों को छत्तीस टाइल टी दी है ना छत्तीस टाइल टी दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता ठीक है साथियों थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू हो जाता है तो आप उसे एडजस्ट कर लेंगे ठीक है क्या गुणनफल का उसके लिए जो है संबोधन नहीं किया जाता या क्षेत्रफल का या फिर आयतन का या फिर गुणनखंड का ठीक है तो बताएंगे एक बार कमेंट करेंगे राइट आंसर के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर तो साथ ही आपका यहाँ हो जाएगा आंसर क्या आयतन ठीक है किस तरीके से हो जाएगा आयतन मैं आपको बता दूं अब देखिए टाइलें हैं है ना और टाइलें आपको पता है एक आयत फॉर्मेट में होती हैं ठीक है थीके? अब आयत से हम साथियों आयतन ही निकाल सकते हैं आयत का है ना तो यहाँ बिल्कुल ही सही है आप एक सेकंड में इसका राइट आंसर लगा सकते हैं आयतन ठीक है और क्षेत्रफल बिल्कुल निकाला जा सकता है टाइलों का है ना गुणनखंड मतलब क्या है कि टाइलें इस तरीके से फॉर्मेट में हैं अलग अलग लगाई हैं बच्चे ने सेट करी हैं तो उसके फैक्टर भी वो जो है देख सकता है और गुणनखंडों को समझ सकता है ठीक है तो यहाँ आपका सी ऑप्शन राइट हो गया अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर जो कि हमारी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है क्या है आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास किसकी नॉलेज होनी चाहिए ये आपके ये बताना है ऑप्शन है बिना समय लगाए समस्याओं या सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए बी है आपका अच्छा संप्रेशन कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए सी है आपका गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणाओं का ज्ञान होना चाहिए या फिर जो है समझ और योग्यता होनी चाहिए डी है आपका संख्या पद्धति बीज गणित तथा जयमति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए ठीक है तो बताएंगे एक बार आंसर इसका जो आप कमेंट करेंगे और इसका आंसर आपके लिए मैं बता दूंगा ठीक है कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप राइट आंसर करेंगे ठीक है तो उम्मीद करते हैं साथियों आपके लिए काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा ये अच्छे प्रश्न हैं पीडीएफ के लिए ज़रूर डाउनलोड कर लें और बने रहें साथियों हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए धन्यवाद साथियों